हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, नंबर वन सब्जेक्ट एंड द अनदर वन प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, और वो पार्ट जो है सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस कहलाएगा। अब पर्सन में कोई भी आ सकता है, वी, सुधा, मिश्रदास, राज, रोहित, कुछ भी। और थिंग के कैटेगरी में भी कुछ भी आ सकता है, मैंगो, मून, सन, लाइट, एवरीथिंग। मतलब जिसके बारे में हम लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, वो पार्टिकुलर जो पर्सन या वो पार्टिकुलर थिंग ही सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस कहा जाएगा। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट जिस पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है तो हम लोग उसको प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट ऑफ दैट सेंटेंस। जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया कि आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या है, आई के बारे में जो कि सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो जो पार्ट आई है वो हो गया सब्जेक्ट, और जो बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया प्रेडिकेट। अब एक और एग्जांपल देते हैं, दे आर रिच पीपल। तो यहाँ पे दे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, दे मतलब वो लोग, उन लोगों के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा रिच हैं, रिच पीपल है। तो यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो दे है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उस दे के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है। तो वो हो गया हम लोगों का प्रेडिकेट, यानी कि दे हो गया सब्जेक्ट और आर रिच पीपल, ये टोटल हो गया प्रेडिकेट। इसको डीपली जानने के लिए और एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं, द मैंगोज आर स्वीट, वी लॉस्ट द रेस, सुधा रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे लास्ट इवनिंग। अब जैसे कि हम लोगों ने अबव डिस्कशन में सीखा है कि जो लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम में जो है वो किसी पर्सन थिंग का नाम रहेगा, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है, जैसे कि वी, दे, शी, ये सब जो है प्रोनाउंस है। तो लेफ्ट हैंड कॉलम वाला वो सब जो है सब्जेक्ट कहलाएंगे, और राइट हैंड कॉलम में आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, उसी पर्सन, उसी थिंग या उसी प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसके बारे में ही कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो हम लोग राइट हैंड कॉलम वाले पोर्शन को ही प्रेडिकेट कहेंगे। नंबर वन एग्जांपल पे चलते हैं, द मैंगोज आर स्वीट, मैंगो तो एक थिंग का नाम है, और थिंग के बारे में क्या कहा जा रहा है, आर स्वीट। तो मैंगो हो गया, द मैंगोज हो गया सब्जेक्ट, और आर स्वीट हो गया प्रेडिकेट। अब अगर एक प्रोनाउंस के हिसाब से देखें तो वी जो है वो एक प्रोनाउन है। अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन का एग्जांपल ले तो वी जो है वो एक प्रोनाउन है। क्या कह रहा जा रहा, वी लॉस्ट द रेस, हम लोग रेस को हार गए। तो वी आ गया सब्जेक्ट कैटेगरी में और लॉस्ट द रेस आ गया प्रेडिकेट में। सुधा रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे लास्ट इवनिंग, तो सुधा एक पर्सन का नाम है और वो सब्जेक्ट कैटेगरी में है, और रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे लास्ट इवनिंग वो हो गया प्रेडिकेट, यानी कि वो सुधा के बारे में कुछ कहा जा रहा है। समटाइम्स कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं कि उसमें सिर्फ सब समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है नहीं रहता है, बल्कि जितना रहता है उसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट उसी से हम लोग को समझ में आ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है टोटली उस वाक्य में या सेंटेंस में छिपा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट, कम हियर प्लीज़, डोंट वरी। गेट आउट में कमांड का एक्सप्रेशन आ रहा है, और वहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट छुपा हुआ वो है यू,
यू गेट आउट, तुम चले जाओ। तो ये यू गेट आउट बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गेट आउट बोलने से ही समझ में आ जाता है कि जाने के लिए कमांड दिया जा रहा है, और हम लोग जो है या कोई भी व्यक्ति जो सामने में खड़ा होता है वो चला जाता है, उसमें यू का यूज़ करने का कोई ज़रूरत है, इसलिए यू यहाँ पे जो है हिडन है। कम हियर प्लीज़, ये जो है रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, और इस सेंटेंस में भी यू हिडन है, तो यू जो है छुपा हुआ है। डोंट वरी, यहाँ पे भी यू छुपा हुआ है, और डोंट वरी जो है एक तरह का एडवाइस को एक्सप्रेस करता है। तो ये तीनों एग्जांपल से समझ में आ जा रहा है कि बिना सब्जेक्ट के भी समटाइम्स जो है एक सेंटेंस बन जाता है, और हम लोग उसको समझ भी पाते, पूरी क्लियरली अंडरस्टूड भी हो जाता है हम लोगों के द्वारा। अब ये जान लो कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का पार्ट जो है क्या क्या कंटेन करता है। नाउन प्रोनाउन तो हम लोग जानते ही हैं, बट उसके साथ भी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी कभी कभी सेंटेंस में सेंटेंस जो है वो कंटेन करता है, वो है नाउन प्रोनाउन डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स। ये चारों चीज़ जो है कभी कभी सब्जेक्ट कंटेन करता है, तो उससे हम लोग को अब प्रेडिकेट को देखते हैं, प्रेडिकेट क्या क्या कंटेन करता है। तो प्रेडिकेट जो है वर्ब कंप्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल, ये फोर पार्ट जो है कंटेन करता है, यानी कि प्रेडिकेट में हम लोग को ये सब चीज़ देखने को मिलता है, वर्ब भी मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे एंड एडवर्बियल भी मिलेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, रिया इज अ गुड गर्ल। तो रिया जो है वो एक नाउन है, और इज है वो एक वर्ब, ए गुड गर्ल वो एक कॉम्प्लीमेंट है। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, रिया वाला पार्ट, ओनली रिया इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट है इज़ अ गुड गर्ल वो प्रेडिकेट में है। एक और एग्जांपल है, महेश डज नॉट रिमेंबर मी। सो महेश इज नाउन एंड डज नॉट रिमेंबर, ये एक वर्ब है, और जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, नॉट कॉम्प्लीमेंट। और इसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढे तो महेश होगा सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट जो है वो है प्रेडिकेट। नाउ होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू गेट द पॉइंट्स। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।